इतिहास बताएगा पुलवामा में क्या हुआ। राज तो खुलेगा किसी दिन। किसने ये हरकत की है, किसने हमारे फौजी मरवाए हैं, इसलिए सारा देश खड़ा हो जाए। इतिहास बताएगा पुलवामा में क्या हुआ। राज तो खुलेगा किसी दिन। देशभक्ति का 56 इंच का सीना हमारे फौजियों की सुरक्षा की बात नहीं की। और जब वो विस्फोट होता है, कार का पुर्जा भी नहीं बचता, भस्म हो जाती है, जैसे लोहा जैसे बिल्कुल पिघल करके हो जाता है। तो व्यक्ति के भी चीथड़े ही गायब हो गए, बाकी शरीर जल गया, कुछ चीथड़े बचे। तो सरकार ने रात आते आते सोच लिया क्या कहना है, और अगले दिन सुबह प्रूफ आ गया है, हमें पता लग गया है किसने ये हरकत की है, किसने हमारे फौजी मरवाए हैं, इसलिए सारा देश खड़ा हो जाए। अब हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है। तो जी कैसे पता लगा? हमें आइडेंटिटी कार्ड मिल गया है उस व्यक्ति का, उस जगह से जहां वो विस्फोट हुआ था। फौजी मर गए, कार जल गई, बंदे का शरीर चीथड़े बन गया, एक प्लास्टिक का कार्ड बच गया। ये संभव है क्या? ये संभव नहीं है। इसलिए इतिहास बताएगा क्या हुआ था। पर आज हम ये कह सकते हैं, पुलवामा हुआ, बालाकोट हुआ, ये दोबारा सरकार में बैठे, और दोबारा बैठने के बाद जो इन्होंने तूफान मचा रखा है, आप और हम वाकिफ हैं। इतिहास बताएगा पुलवामा में क्या हुआ। राज तो खुलेगा किसी दिन। जब हिटलर के खिलाफ न्यूरमबर्ग एक एरिया है, उसके नाम से ट्रायल हुआ था, उस ट्रायल को न्यूरमबर्ग ट्रायल कहते हैं। जो यहाँ शिक्षक बैठे हैं, जो यहाँ विद्यार्थी बैठे हैं, उन किताबों को उठाइए और पढ़िए। न्यूरमबर्ग ट्रायल में गोयबल्स ने क्या कहा? गोयबल्स ने के उस समय की जो उनके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे, उनका मानना था कि एक झूठ को 100 बार बोलो, वो सच लगने लगेगा लोगों को। ये गोयबल्स के चेले हैं, याद रखिए। उस न्यूरमबर्ग में इनके एक मंत्री ने कहा, नाम के लिए कैबिनेट थी, हम 3 लोग फैसला करते थे, और फैसला करके फिर हम कैबिनेट से ओके कराते थे। उस न्यूरमबर्ग ट्रायल में इनके मंत्री ने यह कहा, हमने सबसे पहले पैरेलल आर्मी बनाई अपनी पार्टी के वर्कर्स की, जो आरएसएस और उसके चौगड्ढे के लोगों की बनाई जा रही है। फिर उसने ये कहा, हमारा काम बहुत आसान हो गया था, हमें सिर्फ इशारा करना होता था और वो भीड़ की भीड़ बनके जो करना होता था कर लेते थे। मैं पुलवामा का जिक्र आपसे कर रही हूं। ये वहां के गवर्नर ने कहा, एक घंटे के भीतर भीतर जब हमारे सीआरपीएफ के 49 जवान 80 बसें हवा में उड़ती दिखी, 49 जवान मारे गए, तो गवर्नर से अखबारों ने पूछा, आपको मालूम नहीं था, आपके पास कोई सीआईडी रिपोर्ट नहीं थी? उसने कहा, सीआईडी रिपोर्ट थी, कुछ भी बड़ी दुर्घटना की जा सकती है और हमारी फौजों पैरामिलिट्री फोर्स के खिलाफ की जा सकती है। ये किसका बयान है? आरएसएस का मनोनीत गवर्नर। वो आरएसएस बीजेपी का आदमी था जो गवर्नर था वहां। पहले घंटे में ये खबर आती है, उसके बाद सारी पॉलिटिकल पार्टीज जवाब मांगती हैं कि क्यों, कैसे मर गए हमारे फौजी, और फिर सच्चाइयां सामने आने लगती हैं। सीआरपीएफ का जो डीजी था, डायरेक्टर जनरल था, उसने मोदी से, प्रधानमंत्री से कहा था, हमें हेलीकॉप्टर्स दो, एयरलिफ्ट बताते, सरकार ने मना कर दिया। देशभक्ति का 56 इंच का सीना हमारे फौजियों की सुरक्षा की बात नहीं की। उन्होंने ये कहा कि फिर बड़ी सुरक्षा में थोड़े थोड़े करके हम जा सके, उसका इंतजाम हो। तो टूटी फूटी जो आम बसें होती है, ऐसी 80 बसों का एक साथ काफिला चलाया गया। उस समय हमारे कॉमरेड्स बताते थे, पत्रकार बताते थे
कि चलना सड़कों पे मुश्किल है, इतनी टाइट सिक्योरिटी है, आप अपना व्हीकल कहीं नहीं ले जा सकते, 10 जगह चेकिंग होती है। तो फिर मुझे कोई बताए कि एक मारुति कार इतने किलो टन का आरटीएक्स डाल के उन फौजियों की उन 80 बसों के काफिले में कैसे घुस गई, उसको किसी ने चेक नहीं किया। जब किसी भी इंडिविजुअल को चेक किया जा रहा है और वो कार में विस्फोट होता है, और जब वो विस्फोट होता है कार का पुर्जा भी नहीं बचता, भस्म हो जाती है, जैसे लोहा जैसे बिल्कुल पिघल करके हो जाता है। तो व्यक्ति के भी चीथड़े ही गायब हो गए, बाकी शरीर जल गया, कुछ चीथड़े बचे। तो सरकार ने रात आते आते सोच लिया क्या कहना है, और अगले दिन सुबह प्रूफ आ गया है, हमें पता लग गया है किसने ये हरकत की है, किसने हमारे फौजी मरवाए हैं, इसलिए सारा देश खड़ा हो जाए, अब हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है। तो जी कैसे पता लगा, हमें आइडेंटिटी कार्ड मिल गया है उस व्यक्ति का, उस जगह से जहां वो विस्फोट हुआ था। फौजी मर गए, कार जल गई, बंदे का शरीर चीथड़े बन गया, एक प्लास्टिक का कार्ड बच गया, ये संभव है क्या? ये संभव नहीं है। इसलिए इतिहास बताएगा क्या हुआ था, पर आज हम ये कह सकते हैं पुलवामा हुआ, बालाकोट हुआ, ये दोबारा सरकार में बैठे, और दोबारा बैठने के बाद जो इन्होंने तूफान मचा रखा है आप और हम वाकिफ हैं। अब 2024 हमारे सामने मिशन है, 2024 में इनको उड़ा के फेंकना है। ये सीधा स्लोगन हमारे पार्टी के महाधिवेशन से आएगा, इस तरीके का नारा हमारी ट्रेड यूनियन किसान संगठन कह रहे हैं कि जो मजदूरों के विरुद्ध है, जो किसानों के विरुद्ध है, जो देश के ही विरुद्ध है, ऐसी सरकार को हम नहीं रहने देंगे। उस जज्बे के साथ अगर हमें आगे बढ़ना है तो पहचानना चाहिए अपने मित्र को, क्या कर रहे हैं ये हमारे मित्र जिनसे हमें लड़ना है। मजाकी कर रही हूं मैं, मित्र तो नहीं हो सकते मोदी हमारे, पर सरकार में बैठे हैं, प्रधानमंत्री हैं। मेरा बेटा छोटा सा था, मैं तब भी बिहार आती थी इलेक्शन कैंपेन में, उस छोटे से को लेके वो मेरी टांग से चिपका होता था, मैं भाषण कर रही होती थी। एक बार पटना में बहुत बुखार हो गया रामलला, उसको डॉक्टर शकील ने इलाज किया, मेडिकल कॉलेज के आगे मीटिंग थी, बेटा कहे मैंने नहीं रुकना, तो बेटे को गोदी में लेके मैंने घंटा भाषण दिया। तो मैं जब अपने बेटे को लेके ट्रेन में निकलती थी तो 6 बरस की उम्र तक टिकट माफ थी बच्चों की, और 6 से 12 साल की उम्र तक आधी टिकट थी। इस निर्दयी सरकार ने पिछले महीने क्या किया है, 1 बरस से लेकर के ऑनवर्ड्स जो भी बच्चे हैं सबका पूरा टिकट लगेगा। समझ रहे हैं ना, ये सरकार कैसी है, जो बच्चा सीट पे नहीं बैठता, 1 बरस का माँ की गोदी में है, उसकी भी वो पूरी टिकट देगी, क्यों भाई? और इसलिए बहुत निरंकुश सरकार है। और अभी 7 दिन पहले मैडम मोहतरमा सीतारामन जी की सरकार, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या कहा है, आप टिकट कराते हो ना रेल की, शादी ब्याह जाना है, पिलग्रिम जाना है, मीटिंगों में जाना है, वो इवेंट कैंसिल हो गया तो आप भी टिकट कैंसिल करा रहे हो। अब वो कह रही है टिकट कैंसिल कराओगे तो उस पर भी जीएसटी लगेगा, ये अच्छा तमाशा है। टिकट कैंसिल कराते हैं तो कितने दिन पहले कराते हैं उसी हिसाब से पैसा कटता है, वो कह रहे नहीं, आप जब भी टिकट कैंसिल कराओगे आप पे जीएसटी थोपेगी। तो ये जीएसटी की मार हर चीज के ऊपर है, और मैंने ये बात खगड़िया में कही थी। मैं